सुस्ती, बाज लोग रमजान के रोजे रखते हैं और 1 बजे उठते हैं, हाँ सहरी करके सोए, 1 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, और रमजान उनके लिए एक सुस्ती वाला महीना बन गया है। और बहुत से लोग इन्हें बताते भी है, बोले क्यों नहीं कर रहे, अरे भाई रोजा रखा, मतलब बहुत सुस्त होना जस्टिफाइड है। तो ये सुस्ती वाला महीना नहीं है, वो सुस्ती क्या करती है, हाईजैक करती है रमजान के मेन मकसद को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह और शाम के जो अस्कार सिखाए, तो वो सुबह शाम के अस्कार के अंदर ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कसली, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ सुस्ती से। यानी सुस्ती अच्छी चीज़ नहीं है इस्लाम में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे सुस्ती से, क्योंकि एक सुस्त इंसान ना दुनियावी एतबार से ना दीनी एतबार से कुछ फायदे का काम कर सकता है, वो तो सुस्त इंसान है, मतलब दुनियावी एतबार से भी फेल हो जाता है और आखिरत के एतबार से भी फेल हो जाता है। तो सुस्ती टेक ओवर कर लेती है। बहुत से लोग ऐसा शेड्यूल बोल, बहुत सुस्त महीना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें चुस्त रहना है, नॉर्मल चुस्त रहना है।